मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। यहां पर एक सरकारी कॉलेज में फटा हुआ तिरंगा लहराया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा के कुरवाई शासकीय कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते यहाँ फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये ध्वज कुरवाई शासकीय महाविद्यालय पे फेरा हुआ है, जो कि बीच में से फटा हुआ है। फटे के साथ साथ ये साइड में उधड़ा भी हुआ, जो कि सरासर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों द्वारा। वहीं जब मीडिया में मामला सामने आया तो कॉलेज प्रशासन द्वारा आनन-फानन में तिरंगा बदलकर नया तिरंगा लगाया गया। वहीं कॉलेज प्रशासन इस पर जो सफाई दे रहा है वह किसी के गले नहीं उतर रही है। जो उसने राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ फहरा दिया गया, उनकी गलती इसलिए नहीं है कि सुबह तक उसने अच्छी स्थिति में लगाया है और आपके सामने तो है, उसे अपन बात करनी, फाड़ दिया वाली बात नहीं है। नहीं, जो स्थिति है वो सामने है, उसमें कोई अपने को उसमें अलग से बात नहीं करे, उसको हम तत्काल बदलवा रहे हैं। आपने देखा, बताया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीना सिंह सर। किस पोस्ट पे हो? मैं साहब कच्ची हूँ। यहाँ पर झंडा बंधन कौन करता? सर मैं कर रहा हूँ। ये झंडा फटा हुआ फहरा दिया आपने? नहीं फहराया साहब, सुबह ताजा लगा था सर। नहीं, झंडे की हालत तो बता रही है, वो 8-15 दिन से फटा हुआ है। नहीं है सर, झूठ बोलना है आप? किसके दबाव में झूठ बोलना है? किसी के दबाव में नहीं बोल रहा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मामला सामने आने के बाद सामाजिक संगठन और लोग भी इसके विरोध में उतर आए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में महोदय निवेदन है कि कल दिनांक 13/7/2018 दिन शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय कुरवाई में प्राचार्य एवं कर्मचारियों द्वारा फटा एवं उधड़ा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो कि सरासर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, जो कि बड़ा आपराधिक कृत्य है। अतः महोदय से निवेदन है कि शासकीय महाविद्यालय से निवेदन है कि शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एके पारक एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को तत्काल पद से निलंबित किया जाए एवं FIR दर्ज कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। 24 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई की जाए, वरना युवा कांग्रेस द्वारा उग्र एवं अनशन धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। धन्यवाद। कल ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कॉलेज में के कर्मचारी के द्वारा एक ऐसा ध्वज फहराया गया है जो फट गया था और पुराना होने के कारण थोड़ा सा उधड़ भी गया था। जैसे संज्ञान में जानकारी आई, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी को सूचित किया गया और उनको जांच में लेने के लिए और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई करने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर मामला सामने आने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कॉलेज प्रशासन का रवैया इतना उदासीन हो चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता रहे और उस पर ध्यान ही नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।